हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुदेव क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। नाउ मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से हम क्या समझते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है उसकी स्टडी करते हैं कि किस तरह से एक ह्यूमन अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से इस तरीके से एडजस्ट कर सकता है या इस तरीके से अपनी वांट्स को सेटिस्फाइज कर सकता है ताकि जो एक कंज्यूमर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, जो हमारा प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके और जो हमारी सोसाइटी है उसका वेलफेयर सबसे ज़्यादा हो सके। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की तो यहाँ पर तीन आस्पेक्ट हमारे पास हैं। एक तो होता है हमारे पास कंज्यूमर, राइट। कंज्यूमर कौन सा होता है, वो व्यक्ति होता है कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है। और सेकंड वन होता है हमारा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर वो व्यक्ति होता है जो वस्तुओं को प्रोड्यूस करता है ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन कर सके। एक होती है हमारी सोसाइटी, और सोसाइटी का जो मोटिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करना। और ये जो सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं ये मोस्ट ऑफ हमारे जो गवर्नमेंट है या सरकार है वो करती है। तो कुल मिला के इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच इज़ कंसर्न विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स बाय यूटिलाइजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज इन सच ए मैनर। अब यहाँ पर देखो एक बात आई है, लिमिटेड रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं ना वो लिमिटेड हैं, मीन्स जो हमारे साधन हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड हैं, और जिसके कारण हमें क्या करना होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें इस तरह से यूटिलाइज करना है कि हमारा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके। तो अनलिमिटेड रिसोर्स हो जाते हमारे पास तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रही है, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे साधन हैं वो लिमिटेड मात्रा में है, सीमित मात्रा में है, राइट। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है, इन सच ए मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इट एमरजेंस। अब जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो हमारी आर्थिक समस्याएं होती हैं, ये किस कारण से आती हैं, इसका एमरजेंस का क्या कारण है वो बता रखा है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज आउट ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। अब क्या होता है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं ना वो तो होते हैं लिमिटेड, और जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके भी हमारे क्या होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो अल्टरनेटिव यूजेस होने के कारण क्या होता है, हमें चूज करना पड़ता है कि कौन से अल्टरनेट को हम ऑप्ट करें और कौन से को हम फोरगोन करें। तो जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है वो तीन कारणों से आती है। फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जो ह्यूमन की वांट्स है ना, जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। एक इच्छा अगर कंप्लीट हो जाती है तो दूसरी अराइज हो जाती है। तो इस तरह से जो ह्यूमन की वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। सेकेंड वन इज़ रिसोर्स आर लिमिटेड। जो हमारे ह्यूमन बीइंग है उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, जो उसके पास मनी होता है वो लिमिटेड मात्रा में होता है, और लिमिट होने के कारण हमें ध्यान से खर्च करना पड़ता है, इस तरह से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना होता है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को हम गेन कर सकें। थर्ड वन क्या है, हमारा रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है ना उनके भी अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए पर खर्च करें, ऑप्शन बी पर पैसा लगाएं, ऑप्शन सी की तरफ जाएं या ऑप्शन डी की तरफ जाएं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी किससे रिलेटेड होती है, ये हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से रिलेटेड होती है, क्योंकि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज स्कैर्सिटी। अब हमारी स्कैर्सिटी क्या होती है, स्कैर्सिटी का मतलब होता है दुर्लभता। जब भी हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है या वो हमारे पास लिमिटेड मात्रा में होता है तो उसी को ही हम स्कैर्सिटी बोल देते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर अ गुड एक्सीड इट्स सप्लाई, यानी कि ऐसी सिचुएशन जब किसी चीज़ की डिमांड तो ज़्यादा होती है लेकिन उसकी सप्लाई कम रह जाती है तो उसी को ही हम स्कैर्सिटी बोल देते हैं। स्कैर्सिटी एंड द चॉइस आर इनसेपरेबल।
जो हमारी चॉइस है और जो हमारी स्कैर्सिटी है इसको हम अलग नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे से संबंधित है, रिलेट करते हैं। जैसे कंज्यूमर लेवल पर स्कैर्सिटी और चॉइस किस तरह से इनसेपरेटेबल है, जो हमारा कंज्यूमर है ना उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, मतलब मनी लिमिटेड है और उसी लिमिटेड मनी से उसको अपना सेटिस्फेक्शन करना होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर लेवल पर स्कैर्सिटी और चॉइस दोनों चीज़ें होती हैं और उनको अलग नहीं कर सकते हैं। लाइकवाइज जो प्रोड्यूसर लेवल है, प्रोड्यूसर के पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उसका मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए होता है, तो उसको भी चॉइस करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी स्कैर्सिटी और चॉइस को हम अलग नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा नेशनल लेवल है, वहाँ पर भी जो हमारी नेशन है उसके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उसको देखना होता है कि कहाँ पर रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करना है, कहाँ पर कम यूज़ करना है। तो क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं इसलिए वहाँ पर भी चॉइस करने की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं इसके अंदर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ही स्टडी करेंगे, कि क्लास जो हमारी 12th क्लास है उसके अंदर जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम कवर करते हैं। फिर भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ब्रीफ में मैं आपको बताती हूँ, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है ना, एक रेगनर फिश अर्थशास्त्री थे हमारे इकोनॉमिक्स, उन्होंने जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है ना, माइक्रो नाम से ही पता चल रहा है छोटा, यानी कि छोटे लेवल की जो हम स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर हम किसी कंपनी की, किसी इंडिविजुअल की, किसी हाउस होल्ड की जब भी हम स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम होल नेशन की स्टडी करते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं, तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर हो जाता है। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज सिंपल। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट एन इंडिविजुअल, ग्रुप और कंपनी लेवल। तो जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल की, किसी की ग्रुप की या कंपनी लेवल की हम स्टडी करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड इज़ द स्टडी ऑफ नेशनल इकोनॉमी एज अ होल। तो जब हम नेशनल इकोनॉमी की पूरी स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो के अंदर आ जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द इशूज दैट अफेक्ट इंडिविजुअल एज कंपनीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द इकोनॉमी एज अ होल। तो यहाँ पर बात क्या बताई गई है, जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना उसके अंदर हम इंडिविजुअल और कंपनी लेवल के छोटे छोटे इश्यूज हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं, वाइल जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम जो एक बड़ी इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की, होल इकोनॉमी की जो भी हमारे इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर बेसिस गिवन है, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन माइक्रो और मैक्रो में हमने डिवाइड किया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी लाइक हाउस होल्ड, फर्म, इंडिविजुअल, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। तो जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी कि जो हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र है, उसके अंदर हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की, जैसे इकोनॉमी के बारे में हमने स्टडी किया, जैसे कि एक हाउस होल्ड है इकोनॉमी के अंदर, एक फर्म है, एक इंडिविजुअल है, कोई कंज्यूमर है, कोई सिंगल प्रोड्यूसर है, जब उनकी स्टडी करते हैं तो हमारी वो माइक्रो के अंदर आ जाते हैं। मीन्स यहाँ पर माइक्रो के अंदर एग्रीगेशन तो होता है लेकिन वो कम डिग्री का होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द इकोनॉमी एज ए होल। इसके अंदर हम होल इकोनॉमी की प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं, सच एज जो नेशनल इनकम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा मैक्रो में आ जाएगा। एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जनरल प्राइस लेवल किस तरह से फिक्स हो रहा है, एग्रीगेट कंजप्शन क्या है, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सारे के सारे हमारी मैक्रो टर्म के अंदर आ जाते हैं। ना ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज टू स्टडी द प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स पॉलिसीज कंसर्निंग ऑफ द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं, प्रॉब्लम्स की, उन पॉलिसीज की स्टडीज करते हैं जो रिसोर्सेज को फुलर यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। यानी कि इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी द प्रॉब्लम पॉलिसीज एंड द प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज है ना उनको फुली किस तरह से एम्प्लॉय किया जाए ताकि हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाए, कोई भी हमारा आइडल ना रहे, तो वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ स्टडी।
माइक्रो के अंदर हम क्या करते हैं, द लॉ आर बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट और सेटरिस पेरिबस। अब सेटरिस पेरिबस का मतलब क्या होता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब अन्य चीज़ें समान रहें, कोई चीज़ इधर उधर ना हो, जो हमने मान्यताएं मानी, अजम्पशन जो हम ले के चलते हैं वो अजम्पशन एज इट इज़ रहें, उसमें कोई परिवर्तन ना आए, तो उसके आधार पर जो भी हम कैलकुलेट करेंगे उसको हम बोलेंगे माइक्रो के अंदर। इट मीन्स दैट वी शोज अफेक्ट ओनली वन चेंज बाय कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। यानी कि जब हमें चेंज देखना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखकर एक के अंदर चेंज करके हम ये देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। दिस मेथड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसलिए हम इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल आया हुआ है, मीन्स अन्य बातें समान रहें तो एक चीज़ में चेंज आने से फिर क्या असर पड़ने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड हम आगे स्टडी करेंगे तो वो माइक्रो के अंदर आ जाएगा, उसके अंदर भी हमारे कुछ अजम्पशंस आती हैं और मैक्रो के अंदर भी आते हैं। इन दिस लॉ ऑफ द लॉ आर फॉर्मुलेटेड सो दैट म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज टोटल सेविंग, टोटल एम्प्लॉयमेंट कुड बी स्टडीड ईजिली। दिस मेथड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड जर्नल प्राइस जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर भी हम क्या करते हैं कि किस तरह से जो हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं वो किस तरह से इंटरडिपेंडेंट है, आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं, जैसे टोटल सेविंग, टोटल टोटल एम्प्लॉयमेंट से किस तरीके से रिलेटेड है, इसको स्टडी हम इजीली मैक्रो के अंदर करेंगे। और ये जो हमारा मेथड है स्टडी का, इसको हम जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस भी बोल देते हैं। अब जो हमारा माइक्रो है इसके अंदर हम कौन से इंस्ट्रूमेंट को लेके चलते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर टू इंस्ट्रूमेंट है हमारे, जैसे डिमांड एंड सप्लाई लेके चलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। लेकिन जब मैक्रो की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आता है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इसके इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, प्राइस थ्योरी भी इसको बोल देते हैं। जबकि जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसका अनदर नेम या अल्टरनेटिव नेम बोले तो ये हम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी इसको बोल सकते हैं। इनकम थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी दोनों ही मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है। अब बात करेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, तो जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है ना, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, what was, what is and what would be, क्या था, क्या है और क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें हम पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर लेके चलते हैं। मतलब जो एज इट इज स्टेटमेंट बता दे, क्या था, क्या है, क्या होगा, ये सारी की सारी, इसके अंदर कोई सजेशन नहीं होता, सिंपली जो चीज़ें हैं उसको हम बता देते हैं। लेकिन जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होते हैं उसके अंदर हमें सजेशन देना होता है, मीन्स वट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स वट ऑट टू बी। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है उसके अंदर तो हम सजेशन नहीं देते, एज इट इज़ बात को बोल देते हैं, स्टेटमेंट्स जो हैं एज इट इज़। लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होते हैं उसके अंदर हमें क्या होता है, सजेशन देना होता है, उसके अंदर हम सजेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे इसमें पता चल जाएगा जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हैं, एक साइड इसके पॉइंट्स दे रखे हैं, एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के दे रखे हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में इट स्टडीज़ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है इसके अंदर हम कौन सी प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, जो पास्ट की हैं, जो प्रेजेंट की है और जो फ्यूचर की हैं। जबकि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है इट स्टडीज़ मियरली ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अंदर इकोनॉमिक्स के ओपिनियंस के बारे में स्टडी करते हैं कि इकोनॉमिक्स का क्या ओपिनियन है, कि क्या चीज़ होनी चाहिए, राइट। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड फिगर्स। जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो फैक्ट और फिगर्स के ऊपर बेस्ड होती है, जबकि जो हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है वो बेस्ड ऑन जजमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। इट कैन बी वेरीफाई फॉर ट्रूथ। ट्रूथ के लिए इसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी वेरीफाइड फॉर द ट्रूथ। लेकिन इसको हम जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है इसको हम ट्रूथ के लिए वेरीफाई नहीं कर सकते, मतलब इनकी सत्यता की जाँच हम नहीं कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट कमेंट इन कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू।